आज हम बात करेंगे पुरानी धरोहर। ये है हमारी पैतृक संपत्ति पुरानी धरोहर। इस कुएं की उम्र लगभग 400 या 450 घंटा सही हो गया। इस कुएं से हमारा पूरा परिवार पानी पीता है। यह कुआं पूरे रुद्रशाह में है। पूरे रुद्रशाह प्रयागराज मऊआइमा के गांव में है, जो प्रधान हमारे माननीय श्री संदीप शर्मा जी हैं, उन्हीं के कार्यकाल में आता है। जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा कुआं है, सूख गया, पूरी तरह से सूख गया है। इस कुएं में पानी था ही नहीं। बरसात ना होने की वजह से, 3-4 वर्षों से बरसात कम होने की वजह से, इस कुएं में पानी आज पहली बार सूखा है। तो बड़ा दिक्कत हुआ हम लोगों को कि पानी कहाँ से लाया जाए। घर से 200, 300, 400 मीटर दूरी से, 500 मीटर दूरी से पानी लाया जा रहा था। तो हम लोग ने अपने मन में विचार किया, समझा बूझा और कहा कि हमारी पुरानी धरोहर है, इसको आज तो खाली हुआ है, इसको साफ कर लिया जाए, जिससे सब दिन ये हमारे काम आए। तो आज हमारे पूरे परिवार के फैमिली इकट्ठा होकर के इस कुएं की सफाई कर रहा है। देखिए आपको इस कुएं में बाल्टी द्वारा सारे कचड़े को निकाल कर बाहर किया जा रहा है, और जितनी भी कंक्रीट है सब कुछ निकाला जा रहा है। हम लोग उस हद तक पहुंच गए हैं जिस हद पर जमीन के नीचे पटरा लगा कर के, कहने का मतलब जो गूलर का बाती होती है, पटरा होता है, उसको बिछा कर उसी के ऊपर कुएं का आकार देते हुए ईंटा की जुड़ैया करते हुए बाहर आते हैं। वही आज उसी स्थान तक पहुंच गए हैं और हमारे कुएं में बहुत अथाह पानी हो गया है। लेकिन हमारा प्रयास सफल रहा, हम लोग खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं कि अब पानी की समस्या नहीं होगी। हम लोग पानी की समस्या से निजात पा चुके हैं पूरी तरह से। ये देखिए कुआं है, कुएं में लोग कैसे हिल करके अपना कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। भाई उनको भी दर्द है कि हमारे बच्चे साफ हो जाएंगे, कम से कम 100-200 साल फिर हम लोग को फुर्सत मिल जाएगी पानी से। 100-200 वर्ष के बाद कौन कैसा रहेगा, किसका विचार कैसा रहेगा, वो चाहेगा अपनी धरोहर बचाएगा, नहीं तो नहीं बचाएगा, उससे मुझसे क्या मतलब। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी संपत्ति, हमारे पूर्वज की संपत्ति है, हम अपने पूर्वज की संपत्ति पूरी तरह से बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करके लगे हुए हैं पूरे परिवार के साथ। आज इसको साफ करके हम लोग बगल कर रहे हैं। बगल करने का मतलब ये है कि पानी, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पानी हम लोग बाहर से खरीद कर पी रहे थे, अब पानी को खरीदना नहीं पड़ेगा। हम लोग इतना प्रसन्न हैं, इतना खुश हैं कि प्रभु ने हमको बहुत कुछ दिया। उसी जल को मैं चिड़ियों वगैरह के लिए, भगवान के ऊपर जो घड़ा रखा जाता है, शंकर भोलेनाथ के पास एक घड़ा रखा जाता है जिसमें पानी टपकता है, तो हम अपने मस्जिद से लमसम, जब से मैं जानने लायक हो गया लमसम 2007 से, भगवान के ऊपर पानी टपक रहा था, हमको समझ में आया व्यर्थ जा रहा है। तो मैंने उस ढक्कन को हटा दिया। जब उस ढक्कन को हटा दिया, उसमें पानी रोज़ सुबह डालते हैं, टपकता रहता है 24 घंटे सब टपकता रहता है। उसके आसपास अब चिड़िया वगैरह भी आने लगी हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम अब जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सभी पानी से आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी का कारण यही है कि हम लोग जीवों पर दया करते हैं, इसलिए करते हैं कि जीव ही हमारी आने वाली परेशानियों का संकेत है। जीव के द्वारा ही हम लोग संकेत पाते हैं कि हमारे धरती पर अकाल कब आएगा, हमारे धरती पर कौन सी समस्या आ रही है। सारी समस्याओं का हल इन जीवों ने मुझे पूरी तरह से देते हैं। हम इतना संतुष्ट